नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साइंटेक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों आज हम बात करेंगे कोरल ड्रा 17 की, यानी कोरल ड्रा 17 की। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कोरल ड्रा 12, 13, 14 या 15, 16, 17 इन सब में काम करने का तरीका लगभग एक ही जैसा है। तो आपके पास जो भी वर्जन है, आप इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी वर्जन में काम कर सकते हैं। दोस्तों कोरल ड्रा को प्रॉपर तरीके से समझने के लिए वन बाई वन करके आ रही हमारी सभी वीडियोस को ध्यान से देखें, ताकि आप कोरल ड्रा को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ सकें और आगे हर काम को बिल्कुल आसान तरीके से कर सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों हमारा चल रहा है कोरल ड्रा 7। इस अध्याय से हम अगले कुछ अध्याय तक बात करेंगे कुछ फ्लावर्स डिजाइनिंग के बारे में। और इस अध्याय में हम बात करने वाले हैं एक बिल्कुल बेसिक कमल का फूल हम कैसे बनाएंगे, जो बिल्कुल हम बचपन से डिज़ाइन करते हुए आ रहे हैं स्कूल कॉलेजों में। इस टाइप का कमल का फूल अगर हमें बनाना है तो ये बहुत ही सिंपल है। तो हम बेसिक से ही शुरुआत करेंगे, उसके बाद आगे एक से एक फ्लावर्स बनाएंगे, एक से एक लोगोस डिज़ाइन करेंगे। चलिए देखते हैं ये कमल का फूल कैसे बनेगा, और वो भी बिल्कुल आसानी से, बहुत ही सिंपल है। इसके लिए जो फ्रंट का जो एक ये पंखुड़ी है, सिर्फ दो पंखुड़ी बनाना होता है आपको, उसके बाद एक कमल का फूल बिल्कुल इजीली बन जाएगा। एक तो ये और दूसरा ये दो ऑब्जेक्ट डिज़ाइन करना है आपको बहुत ही इजीली। और जैसे ये दो ऑब्जेक्ट डिज़ाइन होगा तो पूरा का पूरा कमल का फूल बन करके तैयार हो जाएगा बहुत जल्द से जल्द। कंट्रोल चेक करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं और देखते हैं कैसे बनेगा। फर्स्ट हम सेंटर वाला बनाते हैं, उसके लिए हम फ्री हैंड टूल से एक ट्रायंगल बनाएंगे इस तरीके से। हमने यहाँ से किया, फिर यहाँ डबल क्लिक किया ताकि ये लाइन ज्वाइंट हो जाए। फ्री हैंड टूल के बारे में अगर जानकारी नहीं है तो आप हमारी फ्री हैंड टूल वाला अध्याय देख करके आप इसको प्रॉपर तरीके से सीख सकते हैं। फिर इस पर क्लिक किया, फिर दोबारा क्लिक किया ज्वाइंट करने के लिए, और इस पर ले आकर के हमने क्लिक कर दिया। अब इसका जो है ये जो पॉइंट है नोट्स, ये बिल्कुल सेंटर में रहना चाहिए। सेंटर में अलाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से गाइडलाइन लेंगे, क्लिक करके पकड़ेंगे और यहाँ पर ये जो नोट सेंटर का जो दिखाई दे रहा है इस पर ले जा करके हम छोड़ देंगे। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो सेंटर है ट्रायंगल का ऊपर का, ये जो कॉर्नर है ये थोड़ा साइड है। हम इसको साइड में लेने के लिए क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और शेप टूल को पकड़े हुए हम यहाँ से ले करके इसको बिल्कुल हम सेंटर में ला करके छोड़ देंगे। अब ये ट्रायंगल जो है एग्जैक्ट बन चुका है इस तरीके से। अब हम गाइडलाइन को डिलीट करते हैं और इसको सेलेक्ट करने के बाद हम शेप टूल को लेंगे। शेप टूल से फर्स्ट इस लाइन को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद, यहाँ क्लिक करने के बाद हम कर्व करेंगे और फिर इस लाइन को हम थोड़ा सा इस तरीके से कर्व करेंगे। उसी प्रकार इसे भी क्लिक करेंगे कर्व ऑप्शन, और इसको भी थोड़ा सा इस तरीके से कर्व करेंगे। दोनों लगभग बराबर होना चाहिए। आप यहां से क्लिक करके इसको देख सकते हैं, जहां से क्लिक करेंगे तो ये दोनों अगर ये बराबर होगा तो ये बिल्कुल भी प्रॉपर तरीके से दिखाई देगा। आप इस तरीके से देख सकते हैं, इसे लगभग सीधा रखेंगे तो ये बिल्कुल बराबर दिखेगा। उसके बाद नीचे वाली लाइन को लेते हैं, इसको भी हम कर्व करेंगे इस तरीके से, और यहाँ से हम इन नोट्स को, इस हैंडल्स को पकड़ करके हम बिल्कुल सीधा करेंगे इसके सीधाई में, ताकि ये ज्वाइंट होता हुआ नज़र ना आए। फिर उसके बाद हम इसको भी लेंगे और इसके सीधाई में करेंगे इस तरीके से। इस तरह से कंप्लीट होने के बाद हम इसको कलर करेंगे। यहाँ से हम ये कलर ले लिया, उसके बाद जो है हम इसके अंदर इंटरेक्टिव फील देंगे। इंटरेक्टिव फील के लिए हम यहाँ से फाउंटेन फील पर आएंगे। फाउंटेन फील को इस तरह फील होने के बाद हम इसका एंगल चेंज करते हैं इस तरीके से, जैसे कि एक फ्लावर का डायरेक्शन होता है इस तरीके से। ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं ताकि बाकी बनाने के लिए आसान हो जाए। उसके बाद अब हम बनाएंगे इसके साइड वाला। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ से रेक्टेंगल टूल से, जहाँ से एक हम इस तरीके का रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से, और फिर शेप टूल को लेने के बाद हम इसे
कन्वर्ट टू कर्व पर क्लिक करके कन्वर्ट कर लेते हैं और इस वाले पॉइंट को हम इस वाले नोट्स को डिलीट कर लेते हैं डबल क्लिक करके। इस तरह डबल क्लिक करने के बाद नोट्स डिलीट हो जाएगा। डिलीट होने के बाद हम इस लाइन को पकड़ेंगे और लाइन को क्लिक करने के बाद हम इसको कर्व करते हैं, जहाँ से इस हैंडल को पकड़ करके हम इस तरीके से खींचेंगे और इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ लेंगे इस तरीके से। उसके बाद हम ये ऊपर वाली लाइन को क्लिक करेंगे और इसको भी कर्व करेंगे। कर्व करने के बाद इसको हम थोड़ा ऊपर की तरफ लेते हैं। इसका कोई फिक्स फार्मूला नहीं होता, ये जनरली अपने अपने आर्ट्स पे डिपेंड करता है। जैसे आप स्कूलों में बनाया करते थे, इसका कोई फिक्स फार्मूला नहीं होता। ये कमल की तरह दिखना चाहिए, कितना खूबसूरत आप दिखा सकते हैं और कितना खूबसूरत आप बना सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से एक लगभग कंप्लीट हो गया है। हम इसको सिलेक्शन टूल को पकड़ते हैं, उसके बाद हम इसको कलर करते हैं। कलर करने के बाद फिल, वही फिल, फाउंटेन फिल, इसका हम डायरेक्शन चेंज करेंगे इस तरीके से और इस तरीके से हम इसको ये फिल देंगे ऐसे। और अब इसके बाद जो है ये ऊपर है, तो हम इसको नीचे लेकर के जाएंगे। उसके लिए शिफ्ट प्लस पेज डाउन का बटन प्रेस करेंगे तो ये नीचे हो जाएगा इस तरीके से, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम इसी का डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करने के लिए पहले घुमाना भी पड़ेगा, डुप्लीकेट भी करना पड़ेगा। पहले भी डुप्लीकेट कर सकते हैं और राउंड लेते हुए भी डुप्लीकेट कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, जो बिल्कुल सिंपल तरीका होता है, आप इसके बीच वाले पॉइंट पर क्लिक करेंगे, ये रोटेट का टूल्स आ जाएगा और ये जो सेंटर पॉइंट है इसको हम लेकर के आएंगे नीचे यहाँ पर इस कॉर्नर में, ताकि यहीं से ये रोटेट करे। और यहाँ ऊपर वाले को पकड़ करके हम थोड़ा सा इसे घुमाएंगे इस तरीके से, जितना भी हमको चाहिए। और डुप्लीकेट करने के लिए यहाँ पर रखते हुए हम राइट क्लिक कर देंगे, ये डुप्लीकेट हो जाएगा। उसके बाद इसको सेट करने के लिए इसे हम नीचे लेकर के जाते हैं, शिफ्ट प्लस पेज डाउन। और अब हम इसको सही करते हैं सेव टूल के द्वारा। सेव टूल से हम इसको ड्रॉ करेंगे, इसको नोट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम इसे भी सीधा करते हैं इस तरीके से, और जहाँ पर प्रॉपर तरीके से आपको दिखाई देने लगे, आपको सही लगे, वहाँ पर करके इसको हम छोड़ देंगे इस तरीके से। इसका कोई फिक्स फार्मूला नहीं है, आपको जहाँ पर सही लगे उस हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इसी दोनों ऑब्जेक्ट को हम इस तरफ लाएंगे, इन दोनों पंखुड़ियों को। इसके लिए हम इन दोनों को इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम ट्रांसफॉर्मेशन पर आएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन आपके कंप्यूटर में अगर नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको विंडो में आ करके और यहाँ डॉकर में आ करके और ट्रांसफॉर्मेशन में आ करके आप ये पोजीशन पर क्लिक करके ले सकते हैं, या फिर अल्टर प्लस F7 दबा करके ये ला सकते हैं। इससे हम इस तरफ हमको कॉपी करना है, डुप्लीकेट बनाना है, तो हम यहाँ पर क्लिक रखेंगे और एक ही चाहिए तो हम यहाँ पर एक लेकर के अप्लाई करेंगे, यहाँ पर डुप्लीकेट हो गया। अब हम इसका जो है हॉरिजॉन्टली मिरर कर देंगे, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट सेट हो गया है। इसको थोड़ा सा हम और साइड करते हैं इस तरीके से, ताकि दोनों बराबर दिखे इस तरीके से, तब ये बराबर दिख रहा है दोनों। तो इस तरीके से हमने सेट कर लिया। अब जो है हम सेंटर वाले को पकड़ेंगे और यहाँ से हम नीचे वाले को सेलेक्ट करेंगे, ताकि हमें नीचे कॉपी करना है इसके पत्ते बनाने के लिए। तो हम यहाँ से इसको सेलेक्ट किया और अप्लाई किया, ये नीचे बन गया। और वर्टिकली मिरर करेंगे, यहाँ से वर्टिकली मिरर किया और यहाँ से हम इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे इस तरीके से ऐसे। और इसका कलर चेंज करने के लिए हम वापस वहीं पर जाएंगे इंटरेक्टिव फील्ड में, और ये कलर अप्लाई है ऑलरेडी, तो हम यहाँ से सिर्फ कलर को चेंज कर देंगे। हम ग्रीन कर सकते हैं या फिर हम इस नोट्स को सेलेक्ट रखते हुए हम यहाँ से ग्रीन कर देंगे, तो बिल्कुल ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद जो है सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट करने के बाद हम इसको थोड़ा सा घुमा करके इसका डुप्लीकेट बनाते हैं, साइड वाली पत्ती। यहाँ से इसको हम सेंटर पॉइंट को ऊपर लेकर के जाएंगे, यहाँ पर रखते हुए हम इसको घुमाएंगे। घुमाने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और ये कॉपी हो जाएगा। उसके बाद इसको प्रॉपर तरीके से सेट करने के लिए हम इसको भी डाउन लेकर के जाएंगे, यानी शिफ्ट प्लस पेज डाउन नीचे चला जाएगा और पेज और सेव टूल को सेलेक्ट करेंगे। सेव टूल को सेलेक्ट करने के बाद हम इस तरीके से थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और यहाँ से हम इस वाले हैंडल को लेकर के अंदर की तरफ जाएंगे, ताकि इसका शेप कुछ इस तरीके से बने, आप देख सकते हैं इस तरीके से
इस तरह से मूव करता हुआ नजर आना चाहिए। इसका भी कोई फिक्स फार्मूला नहीं है, ये आप अपने हिसाब से जहाँ पर अच्छा लगे आपको उस हिसाब से इसको कर सकते हैं। उसके बाद हम सिलेक्शन टूल से इसको सेलेक्ट करने के बाद हम इसका भी डुप्लीकेट करेंगे बिल्कुल। तो लेफ्ट में हमको चाहिए तो ये लेफ्ट वाला क्लिक करेंगे, और एक ही पीस चाहिए तो हम यहाँ पर वन रखते हुए अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर बन गया है। इसका हॉरिजेंटली हम मिरर कर देंगे इस तरीके से, और अंदर की तरफ हम थोड़ा सा इसको कवर कर लेते हैं जितना कि वो है इस तरीके से। तो ये दोनों बिल्कुल बराबर हैं, इसको थोड़ा सा और हम खींच लेते हैं ताकि इस तरीके से दिखाई दे। उसके बाद जो है ये दोनों लेकर के हम ये ऊपर वाला जो है सारे ऑब्जेक्ट को इस तरीके से सेलेक्ट करने के बाद हम पेज अप कर देंगे ताकि ऊपर आकर के क्लियर दिखाई दे। और उसके बाद सभी को सेलेक्ट करने के बाद हम इसके आउटलाइन को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि ये थोड़ा सा अच्छा दिखे इस तरीके से। ये भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, इसका भी कोई फिक्स फार्मूला नहीं है। उसके बाद हम बनाते हैं इसकी जड़ टहनी। उसके लिए हम फिर वही फ्री हैंड टूल लेंगे और यहाँ से हम नीचे की तरफ जाते हैं, बिल्कुल इस लाइन को सीधी रख सकते हैं। यहाँ डबल क्लिक करने के बाद हम इधर थोड़ा सा लाइन ले लेते हैं इस तरीके से, और इसी को जो है हम एक और कॉपी बनाते हैं यहाँ से राइट साइड में। कॉपी हो गया है, अब जो है हम इसको हॉरिजेंटली मिरर करते हैं और इसको हम इधर साइड में लेकर के आते हैं। उसके बाद हम इसके भी थिकनेस को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, वही रखते हैं 4। और उसके बाद सेप टूल लेने के बाद इसको थोड़ा सा हम घुमाएंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कर्व करेंगे। कर्व करने के बाद हम थोड़ा सा इसको इस तरीके से घुमाएंगे, उसी प्रकार हम इसी भी इस लाइन को भी थोड़ा सा कर्व करेंगे इस तरीके से। उसी प्रकार इसे भी हम मिलाएंगे, यहाँ क्लिक करने के बाद कर्व किया और यहाँ पर इस तरीके से बनाया, और इसे भी हमने थोड़ा सा कर्व किया इस तरीके से। फिर इन दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद, इन दोनों लाइन को सेलेक्ट करने के बाद इसे हम डाउन कर देंगे, यानी शिफ्ट प्लस पेज डाउन इस तरीके से। और उसके बाद जो है हम फ्री हैंड टूल लेकर के इसका जो है वाटर एंड जो है कीचड़ जनरेट करने की कोशिश करेंगे। जैसे पुरानी कहावत है कि कमल कीचड़ में ही खिलता है, तो कीचड़ में खिलाना ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। और उसके बाद जो है इन सभी को सेलेक्ट करने के बाद इस तरीके से आप इसके भी थिकनेस को थोड़ा बढ़ा देंगे इस तरीके से। तो देख सकते हैं कितना इजीली तरीके से ये बना है और कितना कम समय में बन सकता है। आपको समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगा, अगर मैं इसको बनाता तो बहुत ही जल्द बन जाता है, विद इन 2 या 3 मिनट्स के अंदर ये बन करके रेडी हो जाएगा। और इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ पर इस तरीके से, हमने इसको जनरेट किया, कॉपी हो गया। अगर इसका आउटलाइन ख़त्म करना चाहते हैं तो आउटलाइन ख़त्म करने के लिए यहाँ से सभी को सेलेक्ट करें और आप इस पर आकर के इसका यहाँ से आउटलाइन ख़त्म कर सकते हैं, या फिर इस पर आकर के नन कर दें तो ये आउटलाइन ख़त्म होकर के इस तरीके का दिखेगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि बेसिक कमल का फूल आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे बनेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट में हमें बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारी आने वाली अगली वीडियो की सभी जानकारी आपको मिलती रहेगी, और एक से एक वीडियो आने वाली है। तो इस वीडियो में अभी तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।